हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने इंग्लिश की पिछली वीडियो में देखा, मैंने आपको इंग्लिश की लूसिड बुक का लेसन 3 कराया था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो भी आपने कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश लूसिड बुक का लेसन 4 कराऊंगी। टेक आउट योर इंग्लिश बुक, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है लेसन नंबर 4? ए जस्ट किंग, क्या मतलब है? एक न्याय करने वाला राजा। ठीक है, तो देखिए जरा, मैं पढ़ूंगी, आप मेरे साथ रीड करेंगे। वंस देयर लिव्ड इन बगदाद ए ग्रेट किंग। ही हैड अ वेरी फाइन पैलेस। इट वॉज द फाइनेस्ट पैलेस इन द वर्ल्ड। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, बगदाद में एक बड़ा राजा रहता था। उसके पास एक बहुत अच्छा महल था। क्या था? बहुत अच्छा महल था। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन महल था। क्या था? दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा महल था। जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ग्रैंड डोर ऑफ द पैलेस वाज अ स्मॉल हट। अ पुअर ओल्ड वुमेन लिव्ड इन इट। महल के बड़े दरवाजे के सामने एक छोटी सी झोपड़ी थी। क्या थी महल के दरवाजे के सामने? एक छोटी सी झोपड़ी थी। अ पुअर ओल्ड वुमेन लिव्ड इन इट। एक गरीब बूढ़ी महिला इसमें रहती थी। कौन रहती थी उस झोपड़ी में? एक गरीब बूढ़ी महिला उसके अंदर रहती थी। The wazir of the king did not like the look of the hut in front of the grand door of the palace. So he went to the poor old woman and said to her, "Here is a big bag of money for you. You can buy a much better house with it. Please go away from the door of the palace." देखिए क्या है इस पैराग्राफ का मतलब है। क्या राजा के वजीर को महल के बड़े दरवाजे के सामने झोपड़ी की शक्ल पसंद नहीं थी? वो झोपड़ी उसको अच्छी नहीं लगती थी महल के बड़े दरवाजे के सामने। उसने क्या करा, वे गरीब बूढ़ी महिला के पास गया और कहा, ये एक बैग है आपके लिए। ठीक है, उन्होंने उसने उसको बैग दिया और कहा, ये आपके लिए एक बैग है। और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर थे पैसे। पैसे दिए, पैसों से भरा हुआ उसने उसको बैग दिया। फिर उसने कहा, आप इसके साथ एक बेहतरीन घर खरीद सकती हैं। कृपया महल के दरवाजे से दूर रहें। उसका कहने का मतलब यही है कि आप जो है महल के दरवाजा यहाँ से, ये झोपड़ी हटा लें और यहाँ से कहीं और चली जाएं। ये पैसे ले लीजिए, बैग जो उसने बैग में पैसे रख के दिए कि ये ले लीजिए आप और यहाँ से चली जाइए। फिर देखिए बच्चों, इसकी रेटिंग आप खुद करेंगे। मैं आपको एक कहानी की तरह इसका सबका मतलब अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए फिर उसने क्या कहा, बूढ़ी महिला कहती है, अपने पैसे रखो। गरीब बूढ़ी महिला ने कहा, अपने पैसे रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इस झोपड़ी में पैदा हुई थी और यहीं मैं मरूंगी। ठीक है, जब मरते दम तक मैं यहीं पर रहूंगी और मैं यहीं पर पैदा हुई थी। फिर गरीब महिला को उसकी झोपड़ी से बाहर मत निकालो। किसने कहा? राजा ने कहा। किससे? अपने वजीर से, कि गरीब बूढ़ी महिला को उसकी झोपड़ी से मत निकालो, उसे उसकी झोपड़ी में रहने दो। जब लोग मेरा महल देखेंगे तो कहेंगे, ये वो महान राजा था, ये राजा बहुत ही अच्छा था, उस महान राजा जैसा और कोई राजा नहीं था। इसलिए गरीब बूढ़ी महिला को महल के सामने अपनी पुरानी झोपड़ी में छोड़ दिया गया। ठीक है, ये था इस आपकी कहानी के अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे देखिए। आप सभी बच्चे पेज नंबर 13 पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या करना है इसमें? मैच द अपोजिट वर्ड।
आपको अपोजिट वर्ड से मैच करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रूथ लाई, स्ट्रॉन्ग वीक। अब ये आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और कुछ अपोजिट दे रखे हैं, उसके ही अपोजिट दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है इसमें, उससे जो वर्ड जिसका अपोजिट है आप उससे मैच कर देंगे, ठीक है। अब देखिए सैड क्या है, हेल्दी हैप्पी रिच, सैड दुखी हैप्पी खुश, तो इसको इससे मैच कर देंगे, ये इसका होगा इसका अपोजिट, ठीक है, इस तरह। फिर सेकंड थर्ड देखिए, पुअर गरीब, रिच अमीर, ठीक है। हेल्दी तो सेहतमंद होता है, ठीक है, ताकतवर होता है, लेकिन पुअर तो इससे मिलेगा नहीं, पुअर तो गरीब होता है, रिच अमीर, तो इसको इससे मैच कर देंगे। फिर इसको हेल्दी से सिक हेल्दी, ठीक है, सिक मतलब बीमार, हेल्दी सेहतमंद, ठीक है, इस तरह आप इसको मिला देंगे। और ये टू सेकंड फोर्थ और सिक्स ये आप खुद करेंगे, खुद मैच करेंगे इससे। अब क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, लर्न दीज, आइए कुछ वर्ड्स हैं आपको इनको लर्न करना है। देखिए किस तरीके से दे रखे हैं, गार्डन, इसमें अगर हमने ER प्लस करा तो क्या बन गया, गार्डनर। अब इसी तरह ये देखिए क्या है, विलेज, इसमें प्लस कर दिया ER तो क्या बन गया, विलेजर। ड्राइव, ड्राइव के अंदर ER प्लस कर दिया तो क्या बना, ड्राइवर। इसी तरह ऑफिस, प्लस करा क्या, ER जोड़ दिया अगर इसके अंदर तो क्या बन गया, ऑफिसर, ठीक है। इसी तरह आपको इसे रीड करना है, ये आप अपनी कॉपी में नहीं करेंगे और ना ही ये करेंगे, ये आपको बुक में ही रहने देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, मैच द पेयर्स, आपको ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और इनके पेयर बता भी दे रखे हैं कुछ, तो आपको उनसे इनके सही मैच के हिसाब से जो जिससे मिलता है उसके हिसाब से जिससे जिसका पेयर बनता है उसको उससे मिला देंगे, ठीक है, मैच कर देंगे। जैसे कप प्लेट, ठीक है, इस तरह आप मैच कर रखा है ना कप का प्लेट से। अब इसी तरह ब्रेड का किससे होगा बताइए, ब्रेड बटर लगाते हैं ना आप ब्रेड पे, बटर ब्रेड पे बटर लगा के खाते हैं ना इस तरीके से। अब पेन, पेन का किससे होगा, नोटबुक से, पेन से अपनी नोटबुक से, नोटबुक पे ही तो लिखते हैं आप, पेन नोटबुक। अब बैट, बैट का बताइए, बैट बॉल, बैट बॉल खेलते हैं ना आप सब, बैट बॉल, बैट बॉल। चेयर, चेयर का किससे मिलेगा बताइए, किससे पेयर बनेगा चेयर का, टेबल, ठीक है, पढ़ते हैं ना आप चेयर और टेबल पे। ये देखिए सॉक, सॉक लॉक और फॉक, ये आप खुद करेंगे, अपने आप मैच करेंगे इनसे, ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, तो ठीक है। और ये ऊपर जो आपको अपोजिट वर्ड से मैच करना है ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना। आपको जो मैंने वो पढ़ाया है, कहानी बताई है, लेसन पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है वो आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब आपको क्या करना है, अब हम उसमें आपको 10 डिफिकल्ट वर्ड्स पे अंडरलाइन करनी है और वो कॉपी में करने हैं, ठीक है। लेसन नंबर डालेंगे, लेसन का नाम लिखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स लिख के स्टार्टिंग करेंगे उसकी, और 10 लिखने हैं आपको, ठीक है। अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग बताती हूँ, वो भी वो आपको कॉपी में करने हैं, तो देखिए चलिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहे लेसन नंबर 4 के वर्ड मीनिंग। तो फर्स्ट है पैलेस, महल, क्या कहते हैं पैलेस को हिंदी में, महल। सेकंड वजीर, मंत्री, वजीर को क्या कहते हैं, मंत्री। थर्ड मनी, पैसे। फोर्थ किंग, राजा। फिफ्थ ग्रेट, महान। सिक्स पुअर, गरीब। सेवन डोर, द्वार या दरवाजा। एट वुमेन, महिला। नाइन फ्रंट, सामने। टेन रिमेम्बर, याद, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज इन फ्रंट ऑफ द किंग्स पैलेस, राजा के महल के सामने क्या था,
आंसर है अ स्मॉल हट वॉज इन फ्रंट ऑफ द किंग पैलेस, राजा के महल के सामने एक छोटी सी क्या थी, झोपड़ी। ठीक है, तो सेकंड देखिए, व्हाट डिड द वजीर से टू द ओल्ड लेडी, वजीर ने ओल्ड लेडी से क्या कहा, क्या कहा था वजीर ने ओल्ड लेडी से, बूढ़ी महिला से क्या कहा था वजीर ने। आंसर है प्लीज गो अवे फ्रॉम द डोर, कृपया दरवाजे से दूर चली जाएं। यही तो कहा था उसने कि आप महल के दरवाजे से यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, इस तो आपको लेसन नंबर 4 की शुरुआत किस तरीके से करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप 10 डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे, फिर उसके बाद वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको बताया वो करेंगे, फिर आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। 5 क्वेश्चन आंसर हैं, सारे करेंगे और बहुत अच्छी राइटिंग में करेंगे, साफ सुथरे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको कहानी बताई थी वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आप ये काम अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।